टू सौदास किचन। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की हमारी रेसिपी है गार्लिक गोभी। ये बनाना बहुत ईजी है रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप घर पे ही रेस्टोरेंट स्टाइल में गार्लिक गोभी बना सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए गोभी, फुल गोभी मैंने यहाँ पे लिया, इसको कॉलीफ्लावर भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे 1 kg कॉलीफ्लावर लिया है, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है। हम उसमें ऐड करेंगे 2 glass वार्म वाटर। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon टर्मरिक। इसको हम भिगो के रखेंगे एटलीस्ट 1/2 hour तक। एक बाउल ले लेंगे। अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर। वन टेबल स्पून मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर। अब हम उसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर। अगर आपके पास ब्लैक पेपर पाउडर है तो आप 1 teaspoon ऐड कर सकते हैं। 1 teaspoon जिंजर पाउडर। अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 tablespoon सोया सॉस, सॉल्ट एज पर टेस्ट। हम आटे को मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसका अच्छा सा थिक पेस्ट बनाएंगे। अब हम उसमें ऐड करेंगे गोभी, जो मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा था हल्दी के पानी में। उसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके गोभी को ऐड करें। इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे एटलीस्ट 15 minutes। एक हैवी कढ़ाई ले, ऑयल हीट होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड गोभी। उसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। गोभी हमारा रेडी है। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 tablespoon ऑयल, चॉप्ड गार्लिक, टू ग्रीन चिली चॉप करके ऐड किया है। उसको फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 onion चॉप करके ऐड करें। उसको फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 2 tablespoon, 1 tablespoon टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस। वन टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। Add 1 teaspoon white vinegar. Add 2 teaspoon sugar. Add 1 cup water. उसको बॉईल होने तक रखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर मिक्सचर। यहाँ पे मैंने 2 teaspoon कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे 2 teaspoon वाटर। अच्छी तरह मिक्स कर लें, उसका एक थिक पेस्ट बनाए। उसको हम ऐड करेंगे ऐड चॉप्ड कोरिएंडर। 1 boil आने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे फ्राइड गोभी।
सॉल्ट एज पर टेस्ट। अच्छी तरह मिक्स कर ले। गोभी हमारा रेडी है, उसको डिश आउट करते हैं। गार्लिक गोभी रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी है। इसको आप सर्व कर सकते हो नान के साथ, पराठे के साथ, या फिर फ्राइड राइस के साथ, नूडल्स के साथ, या फिर आप सिर्फ वाइट राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत यमी एंड टेस्टी, घर पे कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। इसको सर्व करें, गार्निशिंग करें ग्रीन चिली और कोरिएंडर के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।